हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राम नेट क्लासेस में। कक्षा 10वीं की संस्कृत की शेमुशी से वर्कशीट आई है आज की। दिनांक है 19/1/2022। अध्याय है सप्तम पाठ, सौहार्द प्रकृति शोभा। शीर्षक है पिक काकयो संवाद। तो कोयल और कोए का संवाद, इस शीर्षक से भाग 3 से ये दी गई है वर्कशीट। तो यहाँ पर देखिए, आप 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5ों प्रश्न के उत्तर आप इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनृतम इति पदस्य क अर्थ अस्ति। आंसर हो जाएगा असत्य। अनृतम का अर्थ होता है असत्य, झूठ या मिथ्या, तो आप असत्य लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह त्रास्तान न रक्षति सह किम कथ्यन्ते। तो आंसर हो जाएगा, जो रक्षा नहीं करेगा तो उसको क्या कहेंगे, पार्थिव रूपेण कृतांत, यानी राजा के रूप में यमराज, पार्थिव रूपेण कृतांत। तीसरा है, पिका काकम वन राज रूपेण कथम न स्वीकरोति। तो इसका आंसर होगा कि जो कोयल है वो कौए को राजा के रूप में क्यों स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कौए की कुछ क्वालिटीज़ है, गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ दोनों ही होती हैं हर किसी में। तो यहाँ होगा, न रूपम न ध्वनि रस्ति कृष्ण वर्णम कर्कश ध्वनि ही मेथ्या मेथ्या भक्षक। तो ये इसकी क्वालिटी लिखनी है कौवे की, कि ये सब होने के कारण जो कोयल है वो उसको वनराज के रूप में स्वीकार नहीं करती है। चौथा है, कस्य सत्य प्रतीता जने उदाहरण रूपेण गृहते। तो आंसर होगा काक। पांचवा है, काक चेष्टा विद्यार्थी एव क मान्यते, तो आदर्श छात्र आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, आपने 5ों प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।